नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इसी YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने संपत्ति को, हिंदू यदि वह है तो यदि अपने बेटों को दान करता है या फिर अपने वारिसों को दान करता है या फिर वह किसी अन्य व्यक्ति को दान करता है। दान करने का मतलब यहाँ पे यह है कि अपनी वर्तमान संपत्ति को या फिर कुछ ऐसे चल या अचल, कहने का मतलब है कि चल का मतलब होता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और अचल का मतलब होता है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। चल के अंतर्गत धन, कुछ कैश, कुछ रुपए, गहने, आभूषण, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। अचल संपत्ति वो होती है जैसे मकान हो गया, दुकान हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं। तो जब उस अचल संपत्ति का मालिक अपने उस संपत्ति को अपने वारिसों को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दान में देता है तो इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत इसे दान कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसे गिफ्ट कहते हैं। यदि एक पिता के तीन बच्चे हैं और उस पिता ने उन तीनों में से किसी एक बच्चे को गिफ्ट कर दिया है और दो बच्चों को वह गिफ्ट नहीं करता है तो किस प्रकार से वह बच्चे उस गिफ्ट को कैंसिल करवा सकते हैं और किस प्रकार से उसमें वो अपना अधिकार पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस पूरी बात को हम लोग डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून और बैंकिंग लॉ संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 यानी 122 के अंतर्गत दान को परिभाषित किया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी स्थावर या जंगम संपत्ति को किसी व्यक्ति को दान में देता है बिना किसी प्रतिफल के, बिना कुछ लिए, तो वह दान कहलाता है। दान में कंडीशन ये होना चाहिए कि जो गिफ्ट करता है वह 18 साल के ऊपर होना चाहिए और उसके पास कोई प्रॉपर्टी दान करने वाली होनी चाहिए। यहाँ पे मामला दान का नहीं है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यदि एक पिता अपने तीन बच्चों में से किसी एक बच्चे को ही अपनी संपत्ति को दान में दे देता है और उसके दो अन्य बच्चे वंचित रह जाते हैं उस संपत्ति से, क्योंकि यहाँ पे पिता के संपत्ति पे तीनों पुत्रों का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे पिता ने किसी भी वश कारणवश अपने एक बेटे को ही अपनी संपत्ति दान में दी है, दो अन्य बच्चों को नहीं दी है। तो यहाँ पे दो अन्य जो बच्चे बचते हैं उनका भी उस प्रॉपर्टी पे उतना ही अधिकार होता है जितना कि उस एक बेटे का है। तो यहाँ पे वो दो बच्चे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वह सेक्शन 126 यानी कि धारा 126 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत उसको रिवोक या फिर उसको कैंसिल करवा सकते हैं। इसको कैंसिल करवाने के लिए वह अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट के लिए एक दावा करेंगे और वहाँ पे वह प्रूफ करेंगे, वहाँ पे उनको यह प्रूफ करना होगा कि हमारे पिता की एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, हमारे पिता की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी का होने का मतलब यहाँ पे यह है कि यदि पिता ने अपने पैसे से कमा कर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वह अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकता है, उसमें किसी प्रकार का कैंसिलेशन नहीं हो सकता है जब तक कि पिता और उस बच्चे के बीच में ऐसा किसी प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर करार ना हुआ हो। लेकिन वह एंसेस्टर प्रॉपर्टी है यानी वो पैतृक संपत्ति है जिसमें दादा की संपत्ति या परदादा की संपत्ति आती है, तो इस प्रकार से यदि पिता अपने एक बच्चे को ही केवल वो प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है
तो इसमें दो अन्य बच्चे भी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट्स में दावा कर सकते हैं और वह जा करके अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट के लिए एक दावा कर सकते हैं और यहाँ पे उनकी बात को सुना जाएगा और साथ ही साथ इस गिफ्ट को कैंसिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई समस्या हो, लीगल इशू हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही व्हाट्सएप पे पा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल विदित एरिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरीके से नए नए कानून संबंधित वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।